नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पीसी या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट को किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो फ्रेंड्स, यूएसबी पोर्ट को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले विंडोज़ आर को प्रेस कीजिए और रन कमांड के अंदर टाइप कीजिए REGEDIT और ओके को क्लिक कीजिए। आपके सामने एक विंडो खुल जाता है फ्रेंड्स। इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो तीन नंबर पे ऑप्शन है हैंकी लोकल मशीन, उसमें क्लिक करना है आपने। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है सिस्टम, फिर सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट में ऑप्शन शो हो रहा है एक कंट्रोल सेट 1, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद इसमें जो लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सर्विसेज, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपने ड्रॉप डाउन जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसमें USB स्टोर, तो आपने USB स्टोर पे जाके क्लिक करना है। तो जैसे आप USB स्टोर पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे। इसमें जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा है स्टार्ट वाला, इसकी वैल्यू 3 है लास्ट में, इसको आपने क्लिक करना है। और इसकी वैल्यू जो 3 है उसको यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देना है फ्रेंड्स। 4 करके इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसकी इस वैल्यू 4 करके इसको सेव करके रजिस्ट्री एडिट से आउट हो जाना है दोस्तों। इससे आपका जो यूएसबी पोर्ट है फ्रेंड्स वो डिसेबल हो जाएगा। ये आसान सा तरीका है फ्रेंड्स अपनी पीसी या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट को डिसेबल करने का। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।